पास है क्या कि लेटेस कंसीडर दैट हाइड्रोजन जो है ना वो मूव कर रहा है। हाइड्रोजन है वो हमारे पास, इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन में वो मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, और मिक स्टूडेंट आ जाए ना तो एक ही दफा हम स्टार्ट करते जी बच्चों। बस पढ़ लें ठीक है। एक्स एक्सिस यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं इसको हम, ये हमने ड्रॉ किया ठीक है। ये आपके पास है, से दिस इज यू कैन से दैट हम इसको एक्स एक्सिस का है, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये हमारा है वाई एक्सिस, और ये आपके पास है जी एक्सिस। इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बना रहा है एंगल बना रहा है विद जी एक्सिस के साथ, एंगल बना रहा है और एंगल थीटा बना रहा है, मेकिंग एंगल थीटा हियर, हम ये कहते हैं कि ये एंगल थीटा है। मेकिंग एंगल थीटा हियर ठीक है, और ये पोजीशन जो यहाँ इलेक्ट्रॉन है इसकी पोजीशन है आर, इट हैज पोजीशन आर है इसकी। और ये जो पोजीशन है यहाँ इलेक्ट्रॉन है आपका, से इलेक्ट्रॉन जी कश्यप, जी कश्यप आवाज ठीक नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही, अब आ रही सर, है ठीक देखो नहीं जरा, हैं सर, ठीक नहीं आ रही जी। अब आ रही है आवाज ठीक है। ये हम ड्रॉ कर रहे हैं इसको ठीक बना रहा है, इसका जो इमेज है ना वो इधर है हमारे पास, और इसका जो इमेज है वी कैन से दैट ये इसका इमेज है इसी का, ये बना हमारे पास ये इमेज है इसका, ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ बना रहा है एंगल फाइव। एंगल एक होता है थीटा, एक होता है फाई, अगला सिग्मा, गैमा, इस तरह एंगल के नाम है। थीटा का मतलब होता है अनदर एंगल, तो ये है इसके डायग्राम। तो
तो अब हमने क्या किया, ये देखें ये एक्स एक्सिस है हमारे पास और ये हमारे पास जो है वो वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। ये हमारे पास सिचुएशन है, ठीक है। कि ये आपके पास क्या है कि जी जी ये आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस ये तीन आ गई। अच्छा अब है कि हमारे पास कि हम इसको ना फर्दर ड्रॉ कर रहे हैं। हम ये जो डिस्टेंस ये तो है आर, हम ये कहते हैं स्मॉल राइट एंगल ट्राइंगल बनाते जा रहे हैं, ठीक है। एक ये बनाई, एक ये बनाई हमने, एक ये बनाई, एक ये हम एंगल्स बना रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के, ठीक है। तो ये हमने का लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रॉन जो है वो जेड एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, वो पॉजिटिव वो बना रहा है। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, इट मेक एंगल थीटा विद जेड एक्सिस एंड एंगल फाई विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये आपके पास फाई क्या है, अनदर एंगल है। तो अब हम ये देखते हैं कि जी पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज माइनस जेड स्क्वायर ओवर आर बिटवीन टू चार्जेस कूलम्बिक फोर्सेस है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज डिस्टेंस जेड स्क्वायर ओवर आर, और हाइड्रोजन एटम के लिए जेड वन होता है माइनस ई स्क्वायर ओवर आर, ये कल हमने निकाला था। आगे रिड्यूस मैस, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैस ऑफ न्यूक्लियस, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मैस ऑफ न्यूक्लियस, ये फार्मूला, इट इज कॉल्ड कंबाइंड मैस, इफेक्टिव मैस। ये ऊपर नॉमिनेटर में होता है प्रोडक्ट और नीचे डिनोमिनेटर में होता है ये प्लस, तो ये म्यू आ गया। उसके बाद हमारे पास है जी ये, अब हम देखते हैं जनाब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम आपने कल पढ़ा था, कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर, अब एम के बजाय म्यू आ गया, और एक्स स्क्वायर ई माइनस पी होता है, और यहाँ पी की वैल्यू क्या है, माइनस ई स्क्वायर ओवर आर माइनस माइनस प्लस हो गया ई स्क्वायर ओवर आर इंटू साई इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन वन। इसका और भी एक सिंपल तरीका है, वो ये है कि ये सारा किसके इक्वल होता है, लैप्लेशन ऑपरेटर के। तो डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू ओवर एच स्क्वायर ई प्लस ई स्क्वायर ओवर आर इंटू साई इज इक्वल टू 0 पास। तो पोलर कोऑर्डिनेट कार्टेशियन तो होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। और पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट होता है एट एनी एंगल, मर्जी आप जहां चले जाएं एनी साइड। तो हमारे पास क्या है कि ये देखें, ये है अगर आपने ना ये लिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तो था आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये होता है, ठीक है, ये एक्स वाई जी, और आपका पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये होता है एनी वन, अब आप मर्जी जिस डायरेक्शन में जाएं, यहां जाएं ये एंगल फाइंड करें, आप ये फाइंड करें, आप ये फाइंड करें, आपने जिस तरफ जाना है, अगर आपने एक्स वाई जी के अलावा किसी भी डायरेक्शन में जाना है तो फिर वो क्या कहलाएगा, पोलर कोऑर्डिनेट, फिर वो क्या कहलाएगा, पोलर कोऑर्डिनेट कहलाएगा, ठीक है।
तो ये पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब होता है। कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट, ये हमारे पास x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस, x एक्सिस होता है पोलर कोऑर्डिनेट में r साइन थीटा कॉस फाइव के, y एक्सिस होता है r साइन थीटा साइन फाइव के, और z एक्सिस होता है r कॉस थीटा के। अब ये कहां से आ गए हमारे पास, आप ये जो ट्राइंगल है ना, हमने आप में से मैथ का स्टूडेंट कौन है, एनीवन जिसकी मैथ हो बीएससी में एफएससी में, अच्छा मैं बताता हूं आपको, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे और उसमें ये राइट एंगल है तो क्या होगा, एक हाइपोटेन्यूस होगा, एक बेस होगा और एक परपेंडिकुलर होगा। फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी बेस निकाल ली तो उसकी वैल्यू और वो निकाल ली, तो हमने क्या है कि यहाँ सिर्फ याद रखना है कि जो एक्स एक्सिस है वो है आर साइन थीटा कॉस फाइव के, वाई एक्सिस है आर साइन थीटा साइन फाइव के, और जेड एक्सिस होता है आर कॉस थीटा। और आपने फीसा वोरस थ्योरम पढ़ा था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इक्वेशन टू आ गई, थ्री आ गई, फोर आ गई, ठीक हो गया बच्चों। इक्वेशन वन क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और कहा है फॉर हाइड्रोजन एटम सिंपल। इक्वेशन टू क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन थ्री कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट, और ये क्या है फिसागोरस थ्योरम। अब बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन वन वी गेट, हमने क्या करना है कि अब कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली एक्स, कर्ली स्क्वायर साई कर्ली वाई, कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली जी की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन वन में। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी ये क्या लाएगी, पोलर कोऑर्डिनेट, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट। आपने बच्चों ना ये याद करनी है ना ड्राइव, ठीक है, जस्ट अभी हम प्रैक्टिस इतने कर लेंगे, जो एक्स कंपोनेंट है इसका, जो हमारे पास ये इक्वेशन है, ये कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर, ये बेसिकली हमारे पास निकलेगा वन ओवर आर स्क्वायर कर्ली ओवर कर्ली आर इंटू आर स्क्वायर कर्ली साई ओवर कर्ली आर, ये इसके इक्वल होगा। जो वाई है वन ओवर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली फाई स्क्वायर, ये स्क्वायर है, और जो इसका थीटा कंपोनेंट है यानी जो इसका जेड है वन ओवर आर स्क्वायर साइन थीटा है कर्ली ओवर कर्ली थीटा साइन थीटा कर्ली साई ओवर कर्ली थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास। ये क्या है, यहां साइन थीटा है, यहां भी साइन थीटा, और बाकी उसी तरह इसका जो है हमारे पास एट पाई स्क्वायर म्यू ओवर एच ई प्लस ई स्क्वायर ओवर आर इनटू साई इज इक्वल टू जीरो। अब हमने क्या किया, पोलर कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट किया, एक्स एक्सिस है वन ओवर आर कर्ली ओवर कर्ली आर आर स्क्वायर कर्ली साई ओवर कर्ली आर, ये तो जो एक्स का कंपोनेंट था हमारे पास, और जो हमारे पास है ये तो था आपके पास कौन सा एक्स एक्सिस के इक्वल था, और ये क्या है ये वाला वो वाई कंपोनेंट है, और ये वाला कौन सा है ये जी कंपोनेंट है, और नीचे एज जर्नल कर्ली स्क्वायर साई कर्ली वाई स्क्वायर वो सारा जो हमारे पास है वो आ गया, ठीक है। के ये ड्राइव कैसे हुई, ये दो एक लेक्चर इसके हमें लेदर से चाहिए, जब फेस टू फेस होगी उस वक्त मैं ड्राइव करवा दूंगा। अभी सिंपल याद रखें कि ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट, पहला कंपोनेंट एक्स है, दूसरा वाई है, तीसरा जी है, बाकी ये उसी तरह है उसका। तो अगर पहला कंपोनेंट आप इसको सॉल्व कर लें तो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मिल जाता है, अगर आप दूसरा कंपोनेंट सॉल्व कर कंपोनेंट करें तो आपको एज़ इमुटेबल क्वांटम नंबर मिल जाता है।
ये इक्वेशन नंबर 5 इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम इन पोलर कोऑर्डिनेट और दिस इक्वेशन कंटेन 3 कंपोनेंट, पहला आर कंपोनेंट उससे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा फाई कंपोनेंट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तीसरा थीटा कंपोनेंट एज म्यूचुअल क्वांटम नंबर। अब हम पहला सॉल्व करते हैं डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अब हमने सिर्फ वो लेना है जिसमें आर आए। डेरिवेशन ऑफ क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, आप हेडिंग देंगे सॉल्यूशन ऑफ आर कंपोनेंट, थीटा और फाई खत्म हो जाएगा। आए हम देखते हैं जी किसमें हमारे पास ये इक्वेशन है, वन आवर आर करली आवर करली आर आर स्क्वायर करली साई आवर करली आर, ये आएगा। दूसरे में क्या आ रहा है करली साई आवर करली फाई, ये कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं होगा हमारे पास। हमने सिर्फ वो ढूंढना है जिसमें हमारे पास क्या हो। अब हमारे पास क्या है, ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें थीटा कम, ये क्या है फाई आ रहा है, ये भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें थीटा है। हाँ, 8 पाई स्क्वायर म्यू आवर एच स्क्वायर ई प्लस ई स्क्वायर आवर आर और साई, बस ये दो आएंगे। हम कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ आर कंपोनेंट। जब आप सॉल्यूशन ऑफ आर कंपोनेंट लिखेंगे तो फिर आपके पास क्या होगा, आप लिखेंगे ये जी थीटा दो, ये है आर कंपोनेंट आपके पास, दिस इज इसका नाम है आर कंपोनेंट। ये है आर कंपोनेंट, ये आपके पास क्या है फाई कंपोनेंट, ये थीटा। अब सिर्फ आर कंपोनेंट आएंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो आ गई ये। ये इक्वेशन आ गई बच्चों, वन आवर आर स्क्वायर कर लिया आवर कर लिया आर स्क्वायर कर लिया साई आवर कर लिया प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू आवर एच स्क्वायर ई प्लस ई स्क्वायर आवर आर इंटू साई इज इक्वल टू जीरो जी। तो शॉर्ट करके क्यों लिखा है, सिर्फ बाकी फैक्टर्स को हमने निग्लेक्ट किया क्योंकि निग्लेक्ट कर दिया। शाबाश, अब हम क्या करेंगे, अब ब्रैकेट, ये ब्रैकेट आ गई, अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। वन आवर आर स्क्वायर कर लिया आवर कर लिया आर इन दोनों के ऊपर अप्लाई, ये है प्रोडक्ट रूल ए डॉट बी। फॉर्मूला होता है डेरिवेशन का, रूल है ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेक फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस का साइन लगता है और सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। ये हमारे पास एक रूल होता है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, वन ओवर आर स्क्वायर, अब ये फर्स्ट एस सच कुछ नहीं हुआ और ये डेरिवेशन का साइन सेकेंड के साथ आ गया, ये बन गया सेकेंड, ठीक है। तो क्या हुआ कि फर्स्ट एस सच है और डेरिवेशन किसके साथ चला गया साइन सेकंड के साथ, ये आ गया। अच्छा, अब प्लस का साइन लगाएंगे फिर सेकंड एस सच आए करली साई ओवर करली आर, और अब क्या आ गया है कि ये वाला साइन फर्स्ट के साथ आ गया करली ओवर करली आर, ये फर्स्ट है, ये प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कहें बिस्किट और चाय दो चीज नहीं है, तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा हमारे पास जी। ये बिस्किट है डॉट और ये चाय है, अगर हम इसके के ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएं डिफरेंशिएशन का तो क्या हो जाएगा, हम कहेंगे पहले बिस्किट और डी डिफरेंशिएशन विद चाय प्लस फिर चाय पहले और डिफरेंशिएशन का साइन विद बी। समझ आया ये पॉइंट बच्चों, आवाज आ रही है जी सर? यस सर। हमने क्या किया है कि फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ले, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। तो हमने क्या किया है कि जनाब फर्स्ट एज सच डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, बाकी उसी तरह ब्रैकेट प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू आवर एच स्क्वायर ई प्लस ई स्क्वायर आवर आर इनटू साई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 1 आवर आर स्क्वायर। अब इसे हम देखते हैं तो आर स्क्वायर ये जो साइन है कर्ली साई ओवर कर्ली आर ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर बन जाएगा कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली आर इस साइन की वजह से प्लस कर्ली साई ओवर कर्ली ए स्क्वायर है तो उसका जवाब क्या होता है अगर उसको डिफरेंशिएट 2a इसका जवाब क्या आएगा 2r बाकी प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू ओवर h स्क्वायर e प्लस e स्क्वायर ओवर r इनटू साई इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, यानी अगर dx ओवर dA है और उसके साथ वही साइन है तो वो d स्क्वायर x ओवर dA स्क्वायर हो जाता है। अब हमारे पास क्या होगा, इस ब्रैकेट को खोलेंगे 1 ओवर r इसके लिए तो क्या होगा, ये r स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, से क्या होगा कि r से r स्क्वायर कैंसिल 2 बाय r आ जाएगा तो हमारे पास क्या होगा ये हमारे पास आ गया कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली x स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई ओवर r ओवर 2 ओवर r प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू ओवर x स्क्वायर e प्लस e स्क्वायर ओवर r इनटू साई इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई एक जो है ना जो हमने सॉल्व की। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही काफी है। अब देखो कोई पॉइंट ना समझ आया हो मुझे बताएं, किसी बच्चे को कोई पॉइंट ना समझ आया हो सर? पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला पॉइंट एक दफा रिपीट कर दें जो स्टार्टिंग में था। पोलर कोऑर्डिनेट होता है एनी डायरेक्शन, ये ना ये हमने ना वो ट्राइंगल पे ड्राइव करना है ट्रिग्नोमेट्री बना के। अभी सिर्फ याद रख लो कि एक्स एक्सिस होता है आर साइन थीटा कॉस फाइव, वाई एक्सिस होता है आर साइन थीटा साइन फाइव और जेड एक्सिस होता है आर कॉस थीटा। ठीक है, ओके सर, चलिए अभी बस इसको दोहरा लें फिर इंशाल्लाह। जी बच्चों, सर ये जो आर कंपोनेंट आपने बताया ये R को हम कहते हैं ये 1 ओवर R स्क्वायर को ही R कंपोनेंट कहते हैं? R कंपोनेंट हम कहते हैं इस पूरे को जहां जहां R, यानी R कंपोनेंट कहते हैं जो साई के नीचे लिखा हुआ है, सही है, जहां जहां पे भी R आएगा। अब नहीं, अब यहां तो क्योंकि ये इसमें फाई आ गया ये कैंसिल, ये फाई कंपोनेंट कहलाएगा, यहाँ क्योंकि क्या आ गया थीटा आ गया थीटा कंपोनेंट कहलाएगा, ये एनर्जी कंपोनेंट है ये क्योंकि इसमें थीटा फाइन इसलिए साथ आ गया, ये आर कंपोनेंट नहीं है। अगर हम इसको हम करेंगे ना आप अगर देखें तो जो ये आपके पास है ना ये प्योरली दिस इज कॉल्ड आर कंपोनेंट, इस पूरे को साई के नीचे आर है। दूसरा इस ये आपके पास क्या कहलाएगा फाई कंपोनेंट, अच्छा ये आपके पास क्योंकि साई के नीचे क्या फाई है ये क्या कहलाएगा आपके पास थीटा कंपोनेंट। हाँ थीटा और फाई, दिस इज नॉट आर कंपोनेंट थीटा कंपोनेंट फाई, ये नहीं है। ठीक है जी सर। जी बेटा, सर जी ये जो आपने अभी ये पिक्स से पढ़ा रहे हैं पीडीएफ से ये शेयर कर दीजिएगा बेटा, मैंने आपसे ना मैं आपके लिए ना जरा नीट नोट्स तैयार करवा रहा हूँ तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीक शेयर करूंगा मंडे ट्यूजडे तक कर ले जो चीजें। चलो ऐसे कर लेते हैं, मैं आपको भेज देता हूँ आज। ठीक है, जी आज आप